गैदी नंबर 804। आमिर डोगर साहब वो सिर्फ उसने एक पॉइंट उठाना है, ज्यादा बात नहीं करनी है यार। उसको उसको बस एक इनसे मुझे नहीं मालूम ना, वो टेक्निकल पॉइंट उठा हम करा रहे हैं सर, साइन करके सर 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 वो साइन कर लेने फिर उसको डोगर साहब आए। आमिर डोगर साहब अगले को कॉल करें। जनाब अली मोहम्मद खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब, ये सारे एक दफ़ा साइन हो जाए अपना कर लेना, वो सब आप नज़र रखें ना हमारी बातों के, ये स्पीकर के खत्म हो गए डिप्टी के करवा रहे हैं। रोल ऑफ मेंबर पर अपने सिग्नेचर करे, उसके बाद वो अपनी बात कर सकता है। बैरिस्टर गोहर इस वक्त आए हैं यहाँ पर रोस्टम पर और रोल ऑफ मेंबर पर वो इस वक्त साइन कर रहे हैं, जो कि एक बार फिर से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं तो उनके लिए चेयरमैन नामजद किए गए हैं। और आप देख रहे हैं कि बानी पीटीआई का बैनर जी आप देख रहे हैं इस वक्त राणा तनवीर साहिबजादा हामिद रज़ा कुछ देर पहले मौजूद थे और इस वक्त वो साइन कर रहे हैं। उन्होंने पहले मुलाकात की राजा परवेज़ अशरफ से और अगर उनकी बात की जाए तो उनको 1,28,687 वोट मिले थे उनके अपने हलके से। टर्नआउट उनके हलके का 49% रहा था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से दानियल अहमद थे जो कि दूसरे नंबर पर थे, जिन्होंने 92,594 वोट हासिल किए। N104 वक्त मेहमानों की गैलरी के मनाजिर हैं जहां पर मरियम नवाज़, इसहाक डार और मरियम औरंगज़ेब मौजूद हैं। यहाँ पर हम आज देख रहे हैं कि मेहमानों की गैलरी में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। ये वो तमाम तर लोग हैं जिनको पासेज जारी किए गए हैं नौ मुंतखब अराकीन की जानिब से और इस वक्त स्पीकर राजा परवेज अशरफ उनके पास ही उनके सामने डाइस पर ही रोल ऑफ मेंबर का रजिस्टर मौजूद है जिस पर तमाम नौ मुंतखब अराकीन आकर साइन कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर इस ऐवान का 5 साल के लिए हिस्सा बन रहे हैं। तो मौजूदा कौमी असम्बली 336 अराकीन मेंबर बनने के बाद आप उठा सकते हैं। देखिए उमर अयूब साहब आपको पता है कभी आप मेंबर नहीं बने हैं, रोल साइन कर लीजिए अली मोहम्मद साहब, पहले ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू बिकम द मेंबर फर्स्ट। आप रोल साइन कर लो, रोल बनेंगे और आवाम ही की जो है तर्जमान यहाँ पार्लियमान होनी चाहिए। आज के हवाले से कोई खास स्ट्रेटेजी सर आज की आपको नजर आ रही है? आमिर डोगर साहब वो सिर्फ उसने एक पॉइंट उठाना है, ज्यादा बात नहीं करनी है।
सिर्फ साइन करके सर सर वो साइन कर लेने फिर उसको डोगर साहब अगले को कॉल करो जनाब अली मोहम्मद खान साहब ये सारे एकदम साइन हो जाए अपना कर लेना वो सब आप नज़र रखें ना हमारी बातों के ये स्पीकर के खत्म हो गए डिप्टी के करवा रहे हैं रोल ऑफ मेंबर पर अपने सिग्नेचर करे उसके बाद वो अपनी बात कर सकता है। बैरिस्टर गोहर इस वक्त आए हैं यहाँ पर रोस्टम पर और रोल ऑफ मेंबर पर वो इस वक्त साइन कर रहे हैं जो कि एक बार फिर से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं तो उनके लिए चेयरमैन नामजद किए गए हैं। और आप देख रहे हैं कि बानी पीटीआई का बैनर जी आप देख रहे हैं इस वक्त राणा तनवीर साहिबजादा हामिद रज़ा कुछ देर पहले मौजूद थे और इस वक्त वो साइन कर रहे हैं। उन्होंने पहले मुलाकात की राजा परवेज अशरफ से और अगर उनकी बात की जाए तो उनको 128,687 वोट मिले थे उनके अपने हलके से। टर्नआउट उनके हलके का 49% रहा था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से दानियल अहमद थे जो कि दूसरे नंबर पर थे जिन्होंने 92,594 वोट हासिल किए। N104 वक्त मेहमानों की गैलरी के मनाजिर हैं जहां पर मरियम नवाज़ इसहाक डार और मरियम औरंगज़ेब मौजूद हैं। यहाँ पर हम आज देख रहे हैं कि मेहमानों की गैलरी में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। ये वो तमाम तर लोग हैं जिनको पासेस जारी किए गए हैं नौ मुंतखब अराकीन की जानिब से और इस वक्त स्पीकर राजा परवेज अशरफ उनके पास ही उनके सामने डाइस पर ही रोल ऑफ मेंबर का रजिस्टर मौजूद है जिस पर तमाम नौ मुंतखब अराकीन आकर साइन कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर इस ऐवान का 5 साल के लिए हिस्सा बन रहे हैं। तो मौजूदा कौमी असम्बली 336 अराकीन मेंबर बनने के बाद आप उठा सकते हैं। देखिए उमर अयूब साहब आपको पता है कभी आप मेंबर नहीं बने हैं रोल साइन कर लीजिए अली मोहम्मद साहब पहले ये काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है यू बिकम द मेंबर फर्स्ट आप रोल साइन कर लो रोल आवाम की आवाज बनेंगे और आवाम ही की जो है तर्जमान यहाँ पार्लियमान होनी चाहिए। आज के बल से कोई खास स्ट्रेटेजी सर आज की आपको नजर आ रही है